हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक हेवल्स के इंडक्शन रिपेयरिंग के लिए हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से जैसे एसी सप्लाई देते हैं, सीरीज में सप्लाई दिया और यहाँ पे डिस्प्ले आ गया। यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ पे HI लिख के आ रहा है, क्योंकि ये एरर होता है हमारा हाई वोल्टेज का। मगर इसमें कुछ और दिक्कत है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी सबसे पहले आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने खोला हुआ है, पीसीबी पूरा खुला हुआ है। तो यहाँ पे एक बार आपको बता दे हमने क्या किया, इसमें टेस्ट किया है और क्या किया, इसमें चेंज किया है, फिर भी यही प्रॉब्लम बन रहा है, तो इसको किस तरह से रिपेयर करना है वो भी आपको बताएंगे, और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमको एसी सप्लाई देखना होता है, जो कि हमारा 230 40 होता है, जो कि सही है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो ये चाय का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस पे वोल्टेज टेस्टिंग करना होता है, और हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर जो लगा हुआ है उसके पिन नंबर 13 पे हमको मिलना चाहिए, डेड होल के करीब मिलना चाहिए। और LO का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे हमको पिन नंबर 9 पे 3.5 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने वोल्टीमीटर को DC वोल्टेज रेंज में सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम AC सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पे AC दिया सीरीज में हमने, यहाँ से ग्राउंड ले लिया, और यहाँ पे पिन नंबर 13 पे मेरा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 16 15 14 और 13 1.13183 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सीरीज लैंप ग्लो हो रहा है, कि यहाँ पे हमारा PF लगा हुआ है जो कि AC को फिल्टर करने के लिए वो लगा है हमारा 5 माइक्रोफेरेडे का, उसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज कम दिख रहा है। मगर हमने उसको निकाल के भी वोल्टेज देख लिया, फिर भी वोल्टेज यही मिल रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपको एक मिनट दिखा दे, थोड़ा सा जूमिंग करके ये भी चेंज कर लिया, फिर भी यही प्रॉब्लम बन रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर लिया, वो फिर भी यही प्रॉब्लम बन रहा है। यहाँ पे एक बार माइक्रो कंट्रोलर मेरे पास दूसरी PCB की पड़ी थी, वो लगा के देखा, मगर फिर भी यही प्रॉब्लम बन रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक बार आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम देखा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करके बताना। यहाँ पे एक बार आपको और से फिर एक बार इसमें टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं, यही प्रॉब्लम आ रहा है HI का ही। तो यहाँ पे फिर से आपको एक बार लगा के दिखाते हैं, वीडियो पूरा देखिए तो भी आप जाके आपको समझ में आएगा इसमें क्या प्रॉब्लम बना है। यहाँ पे ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये देखो HI लिख के ही आ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमने सब कुछ चेक करने के बाद एक बार यहाँ पे दूसरा डिस्प्ले लगा के देखते हैं। हमने आज तक ऐसा फॉल्ट देखा नहीं है, ये पहली बार हमने ऐसा फॉल्ट देखा है। जो कि आपने किसी ने देखा है तो कमेंट करके बताना। यहाँ पे हमने दूसरा डिस्प्ले ले लिया है, यहाँ से सप्लाई दिया, यहाँ से ऑन करते हैं। ये देखो अब बजर में मेटल सेंस की आवाज आ रही होगी आपको, आ रही है। यहाँ पे 120 बकायदा लिखा हुआ है, वो भी आपको दिख रहा होगा, और मेटल की आवाज भी आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा बोर्ड हमने पहली बार देखा है, ऐसा प्रॉब्लम इसमें बना है। तो यहाँ पे आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम बना है तो हमको कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी को हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड गया हुआ है। तो एक बार इसको हम खोल लेते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रू को खोल लिया है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे इतना सारा लिक्विड गया हुआ है। तो ये PCB हमारा थोड़ा सा वोल्टेज नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो गया होगा, उसके वजह से ये वोल्टेज
आई का सिग्नल दे रहा है, मगर ऐसा सिग्नल तो पहली बार देखा है कि डिस्प्ले की वजह से ऐसा एरर आ जाए कि हाई वोल्टेज का। तो इसको हम एक बार पूरी तरह से क्लीन करके इसको पूरा बनाएंगे, फिर हो सकेगा तो हम वीडियो भी बना देंगे आपको कि इस तरह से हमारा फॉल्ट था और इसको हमने इस तरह से रिपेयर किया है। इसको पूरी तरह से क्लीन करेंगे, फिर देखेंगे कि ये डिस्प्ले हमारा चल पाएगा या इसका आईसी भी बदलना पड़ेगा, डिस्प्ले आईसी। तो वो भी हम हो सकेगा तो वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। उसका हो सके तो हम पार्ट टू भी बनाएंगे। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। यहाँ पे हमने इसको फाइनली क्लीनिंग कर लिया है। अब यहाँ से इसको माउंट किया और यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं सीरीज में और यहाँ से ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा है। ये देखो यहाँ पे बजर बज रहा है।